जमीन विवाद से अच्छे अच्छे लोगों के घर टूट जाते हैं। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां जमीन विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की पत्नी को इतना मारा कि आज वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जेठ जेठानी ने मिलकर अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया। इसके पहले भी कई बार पीड़ित महिला और उसके पति के साथ मारपीट हुई, जिसकी सूचना वो थाने में भी दे चुकी थी, पर तब पुलिस प्रशासन सोता रहा और कोई भी कार्रवाई नहीं की। अमरपाटन थाना अंतर्गत ग्राम रैकबार में जमीन विवाद के चलते जेठ जेठानी ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। खून से लबरेज गंभीर अवस्था में ही पीड़ित महिला प्रियंका पाठक अमरपाटन थाना पहुंची, जहां उसने सुजीत पाठक, मनीषा पाठक और सुनील पाठक के खिलाफ जान से मारने के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन से सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हालांकि जिसे पुलिस प्रशासन ने अब मुकदमा दर्ज किया है वो पहले सोता रहा, क्योंकि पीड़ित महिला ने इसके पहले भी कई बार अपने और अपने पति के साथ हुई मारपीट की शिकायत थाने में की थी, पर पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आरोपियों के हौसले और बुलंद होते रहे और वो लगातार पीड़ित महिला को धमकाते भी रहे। प्रॉपर्टी के लिए भी बात करते थे, बोलते थे तेरे बच्चे को मार डालेंगे, ननद की यहाँ छोड़ दिए बच्चे को, 3 दिन पहले आधा फ्रेंड को मारे तो उनका हाथ टूट गया, पुलिस भी होंगे तो कुछ रिपोर्ट कार्रवाई नहीं किए, सब मुस्कुराए थे, बुताए भी किया लोगों के मौत के जिम्मेदार आप होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।